भारत में इस साल मॉनसून का रुख काफी खराब रहा। ज्यादातर राज्यों में बारिश कम के कारण किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खासकर धान की अच्छी पैदावार को लेकर किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहीं सब्जियों में लौकी, तोरई, भिंडी, काशीफल, मिर्च, टमाटर आदि फसलें तो खेतों में खड़ी हैं, लेकिन मॉनसून की बेरुखी ने इन फसलों में भी दम तोड़ना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि बारिश की कमी के चलते देश में 10 से अधिक राज्य ड्राई स्टेट बन गए हैं। पूर्वी यूपी में जहां 20 से 50 फीसद बारिश कम हुई है, वहीं पश्चिमी यूपी में 60 फीसद कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस साल पिछले वर्ष से करीब 50 फीसद तक कम बारिश देखी गई है, जिसका सीधा असर मौसमी फसलों पर होगा। बारिश कम होने पर फसलों का उत्पादन भी कम होगा और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में 10 से अधिक राज्य ड्राई स्टेट बन गए हैं, वहीं कुछ इलाकों में बेहिसाब बारिश के कारण बाढ़ की तबाही फैलती जैसी तस्वीरें भी आई हैं। इससे लाखों किसान परिवार बेघर हो गए हैं और फसलें जलमग्न होती दिखाई दी हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में तबाही के दृश्य हैरान करने वाले हैं। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में साफ है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 फीसद से भी कम बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण अभी से सूखे जैसे हालात नजर आने लगे हैं। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी, पश्चिमी राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी 20 से 50 फीसद तक की कम बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में पिछले साल के मुकाबले 60 फीसदी से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केरल लक्षद्वीप में भी बारिश के आंकड़ों ने चौंका दिया है। यहाँ इस साल 20 से 50 फीसद तक की बारिश दर्ज की गई है, जो किसानों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। वहीं इस साल बारिश की कमी के कारण पश्चिम यूपी के कई जिले ड्राई डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे तो थोक में ही सब्जियों के दामों में 20 से 30 फीसद तक का उछाल देखने को मिल सकता है। इस तरह फुटकर में सब्जियों की कीमत पर बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों का बजट बिगड़ सकता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित जहांगीरपुरी मंडी में आढ़तियों का कहना है कि मंडी में धान 3300 रुपए क्विंटल तो गेहूं 2550 रुपए क्विंटल तो वहीं बाजरा 2050 तो सरसों 6000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। उनके मुताबिक मंडी में धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार के रेट देश से होने वाले आयात निर्यात तय करते हैं, लेकिन बारिश का सीधा प्रभाव धान की फसल पर होता दिखाई दे सकता है। बारिश कम होने से धान की पैदावार कम होने की उम्मीद है। अगर इसका बुरा असर पैदावार पर पड़ा तो निर्यात भी प्रभावित होगा, जिससे धान खरीद भी महंगी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।